ये नाइट का व्यू है, आप देख सकते हो नाइट का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। चलता है, गंदा पानी है, हालांकि ये बहुत बड़ा है, करीब 1 किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन पूरा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं 4:20। कल मैंने ब्लॉग नहीं डाला था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इस वजह से। और आज हम जा रहे हैं लोधी पार्क। लोधी पार्क का आपको लोकेशन आया कुछ देर पानी वाले ठीक है। कौन सी जगह है अपन? लोधी पार्क ही तो है ये। कभी लोधी पार्क चल रहे हैं, मैं आपको पूरा लोधी पार्क घुमाता हूँ, एक एक चीज़ घुमाऊंगा, कुन्ना से लेके कौएं तक। लोधी गार्डन हमें मिल चुका है, अभी हम लोधी गार्डन के अंदर जा रहे हैं। ये रहा लोधी गार्डन, देखने में कितना स्वीट एंड स्वामी टाइप का लग रहा है। यहाँ कितने फूल पेड़ हैं ये देख लो, एक तरफ से भाई साहब क्या पत्ते हैं, मज़ा आ गया देख देख के। इसमें तो इमली भी लग रही है क्या, खट्टी खट्टी लग रही है क्या, दिखी क्या तेरे को? गार्डन में तो यार पब्लिक बहुत कम है यार, दिख ही नहीं रही है मेरे को। का है जी, पीछे का भाग है पीछे का। ये इतना बड़ा गार्डन है कि तू खुद खो जाएगा, कितना बड़ा गार्डन है साहब, क्या गार्डन है, देख के आनंद आ गया। कुछ बोलना चाहोगे पीछे वाले भाई मेरे? कुछ बोलेगा? बोल ले बोल ले बोल ले तेरी कसम। इधर ये क्या है भाई साहब, ये कौन सी जगह है? आदित्य कुछ दिखा क्या? नबा नबा मैंने दक देख लू पार्क भाई कितना बड़ा है, देख लो आप, देख लो भाई पार्क में पेड़ इतने बड़े बड़े हैं। अगर मेरे जैसे 30 लौंडे भी मेरे ऊपर चढ़ गए ना तो भी छोटे लगेंगे। लोधी गार्डन ये देखिए, पीछे का भाग देखो 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 कहाँ सा पीछे का भाग, ये रहा दिख रहा है, ये दोनों साले बड़ोए। सॉरी ये ब्लॉक की लाइन काट दूंगा मैं। पहले जो गार्डन में आए थे वो मेरे को अलग लग रहा था, ये वाला चेंजिंग है क्योंकि पहले वाला गार्डन था कुछ ऐसा ही था, लेकिन वो क्या आगे का हिस्सा है बाग। गाइस ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और अपने 90 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 100 करवा दो जल्दी से। अगर अपना ब्लॉग वायरल करना है तो ब्लॉग में लड़की लाना पड़ेगा मेरे भाई, मेरी जान। अरे चूतिए, गार्डन की मेन जगह है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप व्यू कितना अच्छा है। इधर क्राउड भले ही कम है, संडे है फिर भी क्राउड नहीं है क्योंकि Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. अभी क्या था, मैं उस तरफ बैठा था ना, काफी लोग आ गए मेरे को देखने के लिए, फोटो शूट वगैरह भी किया उन्होंने, और मतलब फैंस थे वो अपने करीब होंगे, एक था एक। ऊपर से नीचे अगर कोई गिर गया ना तो डायरेक्टर डायरेक्टर इतना दूर चला जाएगा कि खुद को नहीं पता कितना दूर चला जाएगा। ये डरकना है, इधर पहले स्टेडियम हुआ करता था, इधर बैट्समैन से बैला खेला करते थे। इस गार्डन में गोल्डन फिश है, मैं आपको गोल्डन फिश दिखाता हूँ। इधर एक तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है लेकिन अपन को दिखने में छोटा लगेगा, और गोल्डन फिश है इधर। कहाँ है गोल्डन फिश दिखाइयो? अगर आपको गोल्डन फिश दिखे तो मेरे को कमेंट करके बताना कि भाई बोरी गोल्डन फिश। काफ़ी अच्छा लगता है ना जैसे अपन ऐसी जगह को घूमने आते हैं। आपको इस झरने के नहीं, इस गार्डन के झरने के पास लेके जाता हूँ, बहुत बड़ा झरना है, इसमें अपन नहा भी सकते हैं लेकिन उसके लिए अपन को बीच में जाना पड़ेगा। तो अभी अपन झरने के पास जाने वाले हैं बहुत जल्दी। गोल्डन देख रहे हो सामने झरना दिख रहा है, कितना शानदार झरना हो भाई साहब, नीचे से बम पटाखा लगा हुआ है और झरना दिख रहा है वो भाई साहब। व्यू कितना प्यारा लग रहा है मेरे को, नीचे से फुब्बारा हुआ है और ये चार्जिंग के हिसाब से चलता है। गंदा पानी है हालांकि ये बहुत बड़ा है, करीब 1 किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन पूरा नहीं दिखा सकता, जितना दिखाया वो आप देख सकते हो। मुझे लग रहा है कि ये कौआ आज भी प्यासा है। ये फेमस पार्क है इंडिया का, इधर ज़्यादातर अंग्रेज़ वगैरह भी आते हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा अंग्रेज दिख रहे हैं। गाइस तो नाइट बहुत हो गई है, उधर का लोकेशन आप व्यू देख सकते हो, नाइट का व्यू है वो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बिकॉज मैं आपको बता सकता हूँ पीछे का आपको दिख रहा है, मेरे को तो लग रहा है नहीं दिख रहा होगा। भाई मेरी एक भी वीडियो शूट नहीं हुई है आज, अरे और मैं वीडियो शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, रैंडमली जाता हूँ सबके पास, बट फिर सामने लड़की बैठी है, कैमरा लगाएं क्या? कैमरा लगाओ और मैं जा रहा हूँ, और कैमरा लगाने का पता क्या होता है, मैं शूट तो कर लेता, शूट के बाद जब बताता हूँ ना कि प्रैंक कर रहा था आज देर इज माई कैमरा, तो वो बोलती नहीं वीडियो मत डालना प्लीज, तो फिर उसको हटानी पड़ती यार, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा टाइम मतलब पूरा दिन हो गया संघर्ष करते करते घूमते घूमते, बट एक वीडियो नहीं निकली, देखते हैं फिर
ये नाइट का व्यू है, आप देख सकते हो नाइट का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। रुक गया, और ये व्यू देख सकते हो आप, नाइट का व्यू अच्छा लग रहा है मेरे को। आदित्य वो सामने बंदे बैठे हैं, प्रैंक करने जाइए सामने 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 प्रैंक करने जा रैंडमली। हाँ उधर जाके समर मारनी है एक, जा 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 आदित्य फ़ोन दे जा, अपना फ़ोन दे जा, और उधर जाके समर मारनी है। आदित्य समर मारने गया है, भाई साहब बच गया ये तो, मर गया होता क्या का भाई साहब, तुम प्रैंक के चक्कर में तुम क्या करवाओगे, तुमने बच्ची खत्म कर दी होती। नहीं भाई वो थी नहीं, वो पीछे थी, वो एकदम आ गई सॉरी, और देख के किया था मैंने ऐसे ऐसे करके, मैंने कोई नहीं आता मारी थी, देखे रिएक्शन आपने देखे, अरे भी मैं कहता कैमरा लगा तो कहते नहीं नहीं लीड कर दो इसको, मैं डालना